हेलो क्लास फिफ्थ। पिछली वीडियो में आपने टॉपिक पढ़ा था ब्रीदिंग इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कैसे कैसे किस बॉडी के थ्रू ब्रीदिंग करते थे, ये आपने पढ़ा था। आज पढ़ा आपको मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। मूवमेंट इन एनिमल्स यानी कि एनिमल्स में मूवमेंट। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अनलाइक प्लांट्स यानी कि प्लांट को छोड़ करके बाकी जो एनिमल्स हैं वो एबल हैं मूव करने के लिए, कहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए उनमें कैपेबिलिटी है। एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो एनिमल्स हैं वो क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वाटर और फूड के सर्च के लिए जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए मूव करते रहते हैं। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड टू फाइंड शेल्टर्स। और क्यों वो मूव करते हैं? टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए फ्रॉम एनिमल्स, अपने शत्रुओं से खुद की सुरक्षा के लिए, और शेल्टर यानी कि आवास के सर्च में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव फोर लिम्स। ह्यूमन बींग में फोर लिम्स होते हैं। द फ्रंट टू लिम्स विच आर यूज टू राइट। जो टू लिम्स होते हैं उनके वो यूज़ करते हैं राइट करने के लिए, यानी कि लिखने के लिए, होल्ड पकड़ने के लिए, कैच कैच मीन्स पकड़ने के लिए, होल्ड मीन्स रोक रखने के लिए, थ्रो मीन्स फेंकने के लिए, परफॉर्म अदर एक्टिविटीज और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो यूज़ करते हैं टू लिम्स का, और नोन एज फोर लिम्स, जिसे हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। द अदर टू लिम्स दैट आर यूज टू वॉक, रन, जम्प, हॉप एंड किक आर नोन एज। और उनमें दो लिम्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं? वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, रन करने के लिए, दौड़ने के लिए, जंप यानी कूदने के लिए, हॉप यानी कि उछलने के लिए, किक यानी कि मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हाइंड लाइम्स कहते हैं, यानी कि जो बाकी के दो लिम्स होते हैं उन्हें हाइंड लाइम्स कहते हैं। इवन एनिमल्स लाइक चिंपैंजीज, गोरिल्ला एंड कंगारू यूज़ ओनली द हाइंड लिम्स टू वॉक। इवन एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और कंगारू है, यूज़ ओनली हाइंड लिम्स टू वॉक। वो केवल अपने जो हाइंड लिम्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए। अदर लैंड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, डॉग, काउस, शीप एसेट्रा यूज़ ऑल द फोर लिम्स टू मूव। और बाकी के जो एनिमल्स हैं जैसे कि शेर है, चीता है, कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, ये सारे एनिमल्स अपने चारों के चारों लिम्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज हैव फिन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो ए टेल फिन एट द एंड दैट हेल्प देम टू स्विम। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिश है, उनमें फिन्स पाए जाते हैं आइदर बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के दोनों साइड में उन्हें फिन्स होते हैं। ऑल्सो ए टेल, और उनमें एक टेल भी होता है, फिन टाइप का ही टेल होता है जो एंड में होता है, जो उन्हें हेल्प करता है स्विम करने में यानी कि तैरने में। फ्रॉग एंड डक्स हैव वेब्ड फीट एट दैट हेल्प टू मूव इन वाटर। फ्रॉग यानी कि मेंढक, डक यानी कि बत्तख में जो होता है वेब्ड फीट होता है, यानी कि उनके लेग में जो होता है जाल टाइप का, मकड़ी का जाल जैसे होता है उस टाइप का होता है, फैलता है, जिससे वो उन्हें हेल्प करता है ताकि वो वाटर में मूव कर सके। टैडपोल्स एंड वाटर इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू स्विम, वेयर एज टर्टल एंड पेंगुइन्स यूज देयर फोर लिम्स एज फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। टैडपोल और वाटर इंसेक्ट जितने भी है वो अपने लेग का यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए, वेयर एज जबकि टर्टल यानी कछुआ, पेंगुइन यूज देयर फोर लिम्स, अपने चारों के चारों लिम्स, सॉरी जो आगे वाले लिम्स उनके होते हैं केवल उन्हीं का यूज़ करते हैं और अपने फ्लिपर का यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए। लिजार्ड यानी कि छिपकली, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड टर्टोइस, कछुआ हैव फोर शार्ट लेग्स टू मूव। छिपकली, मगरमच्छ और कछुआ के पास फोर शॉर्ट लेग्स होते हैं जिससे वो मूव करते हैं। दे क्रॉल ऑन दियर बेली, और वो अपने बेली जो उनका पेट होता है उससे क्रॉल करते हैं। स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक यानी कि सांप के पास लेग नहीं होते हैं। दे हैव स्केल ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी विच अनेबल देम टू मूव। दे हैव स्केल्स, उनमें स्केल्स यानी कि प्लेट्स पाए जाते हैं ऑन द अंडर साइड, उनके अंडर साइड में, उनकी बॉडी के अंदर साइड में, विच अनेबल देम टू मूव, जो उन्हें मूव करने में अनेबल होते हैं यानी कि उन्हें दौड़ने नहीं देते हैं। वॉर्म शॉर्टन एंड एलोंगेट दियर बॉडी टू मूव फॉरवर्ड,
उनमें जो वर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, शार्टेन वो शॉर्ट होते हैं और इलांगेट लॉन्ग करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं डियर बॉडी, उनकी बॉडी में मूव फॉरवर्ड जो उन्हें आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिड यू नो कि आप जानते हैं द टेल्स ऑफ सम लिजर्ड सेपरेट फ्रॉम द बॉडी व्हेन दे आर ग्रैब्ड। जो लिजर्ड होता है, छिपकली होता है, उसके टेल को हम अलग कर सकते हैं उसकी बॉडी से व्हेन दे आर ग्रैब्ड। हम जितनी बार अलग करेंगे उनमें नई पूंछ आ जाती है। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटोज एंड एक्सेट्रा हैव थिन लेग्स एंड थिन विंग्स टू मूव अराउंड टू फ्लाई। इंसेक्ट्स लाइक यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं जैसे कि कॉकरोच है, मच्छर है और चींटी है, इनमें थिन लेग्स पतले पैर होते हैं और थिन विंग्स पतले पंख होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं मूव अराउंड एंड टू फ्लाई, जो उन्हें अपने चारों तरफ मूव करने में और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग यानी कि पंख और फेदर्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। दे हैव हॉलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडीज लाइटर। और उनमें हॉलो बोन्स यानी कि उनकी बोन जो होती है, हड्डियाँ होती है, खोखली होती है, जो उनकी बॉडी को लाइटर यानी कि हल्का बनाती है, टू मेक फ्लाइंग ईजियर, जो उन्हें उड़ने में ईजी यानी कि आसानी होती है उन्हें। दे हैव क्लॉज टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उनके पास क्लॉज होते हैं ग्राउंड पे वॉक करने के लिए एंड पर्च शिकार करने के लिए, पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ब्रांच यानी कि पेड़ की शाखाओं पे पर्च यानी कि शिकार करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू एसेट्रा आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक टू फ्लाई। सम बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कीवी, ईमू, ये तीन ऐसे बर्ड्स हैं और भी ऐसे बर्ड्स हैं जो अनेबल यानी कि अनेबल है फ्लाई करने के लिए बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक, क्योंकि उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं फ्लाई करने के लिए। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स को हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। दे मूव आल्सो ओनली ऑन लैंड। ये केवल लैंड पे मूव करते हैं बल्कि फ्लाई नहीं करते हैं। अब पढ़ना है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह चले जाने को ही माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अपने अनुकूल टेम्परेचर के सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। वो टेम्परेचर के लिए भी मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, फूड के लिए भी माइग्रेट करते हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी मूव करते हैं। दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एवरी ईयर टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी यानी कि हर साल वो लॉन्ग डिस्टेंसेस भी ट्रैवल कर जाते हैं टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ से बचने के लिए। टू गिव बर्थ टू दियर यंग वंस आर इन सर्च ऑफ फूड, या फिर अपने यंग वंस को बर्थ करने के लिए, जन्म देने के लिए या फिर फूड के सर्च में माइग्रेट करते हैं। द काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट इज नोन एज माइग्रेशन। द काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट यानी कि ज़्यादा दूरी को ही मूव करना जो होता है उसे माइग्रेशन कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं हिंदी में। द आर्कटिक टर्न फ्लाइज 17,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द आर्कटिक टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। जो आर्कटिक टर्न होते हैं यानी कि जो आर्कटिक में रहने वाली पक्षियाँ होती है वो 17,000 किलोमीटर जो है माइग्रेट कर जाती हैं, कहाँ, आर्कटिक से अंटार्कटिका वो ट्रैवल कर जाती हैं। इतनी ज़्यादा दूरी वो लॉन्ग डिस्टेंस को भी ट्रैवल करके चली जाती है, क्यों, ताकि वो विंटर में ज़्यादा कोल्ड को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, वो उससे एस्केप करने के लिए, खुद को बचाने के लिए इतना ट्रैवल करती हैं। द साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरियन सारस होता है, फ्लाइज टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। साइबेरिया से वो इंडिया चला आता है ड्यूरिंग विंटर ठंड में एंड गो बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर। और वो वापस कब लौटता है साइबेरिया, गर्मी के मौसम में। सैल्मॉन्स लिव इन द सी। सैल्मॉन्स जो होता है वो सी समुद्र में रहता है। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच रिवर्स टू ले एग्स। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा दूरी तक स्विम करते हैं टू रीच रिवर, ताकि वो रिवर तक पहुँच सके टू ले एग्स, एग्स को देने के लिए।
दे डाई देयर एंड वो वहीं मर जाते हैं एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी, और जो उनके यंग वंस होते हैं नवजात शिशु होते हैं वो वापस सी में चले आते हैं। लोकस्ट आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंजेक्ट, जो लोकस्ट नाम का एक इंजेक्ट होता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इंजेक्ट है यानी कि विनाशकारी है। दे माइग्रेट इन स्वाम एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये माइग्रेट करके क्रॉप्स में पहुंच जाते हैं जो वहां जाकर के स्टैंडिंग क्रॉप्स जो खड़े फसल होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू।